हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। तेरो ना
ईश्वर अल्लाह सतगुरु साईं तू ही राम तू ही श्याम मेरे वाहे गुरु सतनाम साईं साचो तेरो नाम साईं राम साईं श्याम हे अलख निरंजन दर्शन दे दर्शन दे तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए वत्स मांगो क्या चाहिए क्या मांगो प्रभु अपने लिए जो भी चाहिए वर मांग लो प्रभु मुझे तो आपकी भक्ति के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए तो क्या मांगू फिर आज तुम्हारी पुकार में एक ऐसी आतुरता थी जो पहले कभी अनुभव नहीं हुई आज जब तुमने दर्शनों के लिए पुकार की तो एक भक्त की आवाज में जो परमानंद के स्वर गूंजते हैं वो स्वर उस आवाज में नहीं थे बल्कि एक व्यथित हृदय एक दुखी आत्मा की पीड़ा के स्वर सुनाई दिए आपने ठीक सुना कि मेरी आवाज में एक वेदना एक पीड़ा के स्वर थे ये भी सत्य है कि मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं परंतु अपने लिए नहीं फिर किसके लिए मांगने आए हो पृथ्वी लोक के वासियों के लिए मृत्यु लोक के जीवों के लिए क्यों जाने क्यों अचानक मेरे मन में आया चलो पृथ्वी लोक का भी एक चक्कर लगा लूं परंतु वहां जाकर प्रभु और वहां की हालत देखकर मन अत्यंत दुखी हुआ कि आपके रचे हुए संसार में इतना दुख इतनी पीड़ा इतना पाप इतना अधर्म अब आपके अवतार लेने का समय आ गया है प्रभु आपको तो इसी क्षण वहां जाकर दुखियों का दुख दूर कर देना चाहिए भगवान मैं यही प्रार्थना करने आया था हम तुम्हारी भावुकता से प्रसन्न हुए वत्स और हमने निर्णय ले लिया है कि तुम्हारे भीतर इतनी करुणा जागी है तो मेरे स्थान पर तुम ही मृत्युलोक में जाओगे मेरा करुणा अवतार बनकर और सारे संसार को दुखों से मुक्त करोगे तुम हमें साईं नाम से पुकारते हो ना धरती पर लोग तुम्हें साईं नाम से ही पुकारेंगे अब हम तुम्हें अपनी सारी चमत्कारी शक्तियां भी प्रदान करते हैं तुम जो चाहोगे जैसा चाहोगे वैसा ही चमत्कार घटित हो जाएगा एक भक्त को चमत्कारी शक्तियों की क्या आवश्यकता है प्रभु आवश्यकता पड़ती है वत्स क्योंकि मृत्युलोक का मानव केवल चमत्कार के आगे ही नमस्कार करता है लो अब ये शक्तियां ग्रहण करो सारी मातृभाव से सींची मैंने ये फुलवारी तू मातृभाव लेके जा मेरा स्वभाव लेके जा ये मेरा वरदान है तुझको तुझ में सब देखेंगे मुझको
ये मेरा वरदान है तुझको, तुझ में सब देखेंगे मुझको। ये मेरा वरदान है तुझको, तुझ में सब देखेंगे मुझको। चौमुखी दिशाओं की परिधि से निकल के परमात्मा चला एकात्मा में ढल के। जिस जिस लोक से होकर जाए देव यक्ष गंधर्वों का दल यही गा। अभिनंदन अभिनंदन नित्य लोक के राजे शत शत अभिनंदन 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 अभिनंदन। शुभ हो मंगल तेरा भूमि पर गमन, शुभ हो मंगल हो तेरा भूमि पर गमन, शत अभिनंदन। ये कौन आसमान से जमीन की ओर आ रहा, करोड़ों सूर्य का प्रकाश लेके जगमगा रहा। ये कौन देव रूप है, ये कौन पुण्यवान है, ये कैसा तेज पुंज है, ये कौन शक्तिमान है। मस्जिद की मीनारे रागी गुरुवाणी गुरुद्वार में उचारे, गिरजा घरों में हो रही है प्रार्थनाएं, सब उस अनदेखे को दे रहे दुआएं। से हर मकाम उसको अपना कह बुला रहा, करोड़ सूर्य का प्रकाश लेके जगमगा रहा। ये कौन देव रूप है, ये कौन पुण्यवान है, धरती पर आने के बाद किस माता के गर्भ में इस दिव्य आत्मा को मानव शरीर का चोला पहनाया गया, फिर उस मानव शरीर ने किस स्थान पर जन्म लिया और वो कौन सा साल था, किस मां की गोद में वो पले बढ़े, किस मां की उंगली पकड़कर उन्होंने चलना सीखा, किस गुरु ने उन्हें वेद शास्त्रों का ज्ञान दिया या किस पीर ने उन्हें कुरान पाक की आयतें पढ़ाई, इन सब बातों का कोई ठोस या प्रामाणिक सबूत नहीं मिलता। हाँ, इस बात का ठोस प्रमाण मिलता है
कि तमाम संसारियों ने उन्हें पहली बार एक नीम के पेड़ के नीचे समाधि अवस्था में बैठे हुए देखा। वो एक 15-16 साल के तरुण योगी के रूप में दिखाई दिए थे, जिनकी मोहिनी कुछ ऐसी थी कि जंगल के पशु पक्षी सब उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। गायें और बकरियों ने तो उनकी परिक्रमा करना शुरू कर दिया था। ये अद्भुत दृश्य देखकर जंगल में गायें और बकरियां चराने वाले चरवाहे हैरान हो गए। अरे मेरी आंखें ये क्या देख रही हैं? हमारी गाय इस योगी की परिक्रमा कर रही हैं। और मेरी बकरियां तो चरण स्पर्श कर रही हैं। हमारी गाय भी चरण स्पर्श कर रही है इस योगी की। देखो पेड़ों से झड़कर फूल योगी के चरणों में गिर रहे हैं। सचमुच ये कोई चमत्कारी दिव्य योगी है। मुझे तो ये कोई महाअवतार लगते हैं। चलो गांव में जाके इस दिव्य घटना के बारे में सबको बताते हैं। हाँ हाँ चलो चलो चलो। अरे सुनो गांव वालों, अरे ये तो हाँ हमें सही कह रहा हूँ, दिनकर जी ऐसा कह रहे थे। अरे गुलाब क्या हुआ भाई, जंगल में आग लगी है क्या? कोते पाटिल जी, लगता है इन्होंने दिन में भूत देखा है। भूत नहीं, वो तो कोई ईश्वर का दूत है। क्या, ईश्वर का दूत? हाँ, उम्र छोटी है उसकी, लेकिन चेहरे पे जो तेज है ऐसा लगता है जैसे अभी अभी सूरज में से निकला है। लेकिन वो है कौन है? किसनवा कौन है रे वो? हमें क्या पता। कल रात तो उस नीम के पेड़ के नीचे कोई नहीं था। हमने भी पहले कभी नहीं देखा उसे। अरे बायसा, भाईसाहब तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें घर के कोने कोने में ढूंढ रहा हूँ। ईश्वर क्या बात है, क्या हुआ, क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है, अपने गांव में एक चमत्कार हो गया है। अगो भाई चमत्कार, कैसा चमत्कार? वो जंगल में बड़ा नीम का पेड़ है ना, उसके नीचे एक योगी प्रकट हुआ है। अगो भाई योगी? हाँ, अरे कल तक तो वहाँ कोई नहीं था, आज वहाँ एक बाल योगी समाधि में दिखाई दिया है। अच्छा? हाँ। अरे सुनती हो बाईजा भाई, ये क्या कह रहे हैं? क्या हुआ नूर? अरे देखो ये तुम्हारे भाईजान बता रहे हैं कि हमारे गांव में करिश्मा हुआ है। करिश्मा? क्या हो गया बाईजा बहन? सुना है उस पेड़ के नीचे अचानक एक खुदाई नूर का इजहार हुआ है, जिसकी रोशनी से सारा जंगल जगमगा उठा है। किसकी रोशनी? कोई अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता होगा। ऐसा नूर तो कोई खुदाई रूह में ही हो सकता है। कहते हैं उसका प्रकाश फैलते ही चारों तरफ से पशु पक्षी गाय बकरी सब उसकी ओर भाग भाग कर जा रहे हैं और उसके सामने माथा टेक कर परिक्रमा कर रहे हैं। ये कैसा चमत्कार है,
कल तक तो उस पेड़ के नीचे कोई नहीं था। कब से प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, समय बीतता जा रहा है और समय के साथ साथ ये नश्वर शरीर भी उस परम सत्य की ओर बढ़ रहा है जिसे मृत्यु कहते हैं। मेरा यह जीवन असफल हो जाएगा प्रभु अगर मुझे कोई मार्गदर्शक नहीं मिला। मुझे गुरु के दर्शन करवा दो प्रभु। मुझे गुरु के दर्शन करवा दो। क्या हुआ पंडित जी, खंडोबा का उत्सव शुरू होने में तो अभी देर है। उत्सव तो जंगल में शुरू हो चुका है महालसा पति जी। जंगल में शुरू हो गया है? जी हाँ, आइए हमारे साथ चलिए। नजदीक चल के पूछते हैं। चलिए। मुझे तो संत ज्ञानेश्वर का बाल रूप दिखाई दे रहे हैं। बाईजा भाई, ये तो भक्त ध्रुव का रूप है। आंखें खोलो योगी, हम गांव वाले आपको मिलने आए हैं, हमें अपना परिचय दो। आंखें खोलिए देवता स्वरूप। नहीं खोलेंगे आंखें, क्यों खोलें? हम पापियों को देखने के लिए हैं। साक्षात विष्णु है। हमारी शिरडी धन्य हो गई। हे सुंदर स्वरूप, आप हमें बताएं कि आप किस रूप में आए हैं। महालसा पति, आप ही जाकर समाधि से जगाइए। पूछिए तो सही, क्यों आए हैं, कहां से आए हैं? आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं? हटो, मैं पूछता हूं। लेकिन ये हमारा बेटा नहीं है। किसी का तो बेटा है, अगर इसकी माँ होती तो कैसे भेजने देती क्या? लेकिन भाईसा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम इसे बारिश के पानी से बचा रही हो, बारिश का पानी छान छान कर इसे नहला रही हो, हैं? अरे संतु, इधर आ, इधर आ। अरे जरा कहीं से कोई बड़ा छप्पर लेके आ, हैं? अभी ले जा, जा जल्दी। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? छपरा उतार कर ले जा रहा हूँ वहाँ। वहाँ कहाँ? वहाँ उस योगी के लिए। बिल्कुल नहीं, वैद्य जी की गाय भीग जाएगी। वहाँ वो योगी भीग रहा है। वैद्य जी, जल्दी आइए, देखिए ये छत लेकर जा रहा है। वैद्य जी, अरे राम राम, कौन हमारी घर की छत को ले जा रहा है, है? किधर है? अरे अरे, तो यही है। अरे वैद्य जी, इस छत की बात नहीं, वो है? वो गाय के सिर वाली छत। अरे कौन है? ए, अरे रुक रुक वहीं पे, अरे रुक, कौन? अरे रुक रुक, कहता हूँ मैं, दूर ए छाता खोल।
मैं कहता हूँ छोड़ उसे। छोड़। अरे पकड़ो पकड़ो उसको। अरे मूर्खो मुझे नहीं, उसको पकड़ो, चलो पकड़ो। अरे मेरा तो आज फिर पकड़ उसको। अरे संतू आ जल्दी आ जल्दी आ, आजा आजा आजा, उस तरफ उस तरफ। राम राम राम, क्यों पाटिल अपने घर से छप्पर नहीं मंगवा सकते थे? हाँ। 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 मेरे ही गाय की सिर की छप्पर तोड़नी थी। हाँ। और ये कौन है? ये योगी है, समाधि में लीन है, इसलिए 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 बेचारी बेजबान गाय को भीगने दो। हाँ। वो भी जीव है भाई जा भाई। हाँ? और यहाँ ऐसे ढोंगी योगी तो आते ही रहते हैं। अरे बैद जी, ये कहीं से आए नहीं, प्रकट हुए हैं। प्रकट हुए हैं, सुनो वीरू देवू, प्रकट हुए हैं। जय हो जय हो जय हो। बना दे इसको भी भगवान। देखना देखना, चार दिन बाद जिस तरह ये प्रकट हुआ है, उसी तरह किसी के घर को लूट कर यहाँ से गायब हो जाएगा। ए बलवीरो, ले लो उससे। क्या? अरे क्या क्या समझ में नहीं आता, छपरा ले लो। हाँ सुशीला बहन, ऐसे योगियों पर शक करना पाप है। देखा नहीं कुलकर्णी वैद्य जी के शक करने पर कैसा फल मिला था। कैसे पछाड़ खाकर गिरे थे वैद्य जी। वैद्य जी ही क्या, जो भी उस बाल योगी से नफरत करेगा ऐसे ही अपमानित होगा। वैद्य जी की बात छोड़ो, उस योगी की सोचो। आज दो दिन हो गए हैं, अब तक उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठा है। तो क्या हुआ, ऐसे योगियों की समाधि तो बहुत लंबे समय तक चलती है। वो कहीं नहीं गए हैं मालसापति जी, वहीं नीम के पेड़ के नीचे समाधि में बैठे हैं। इसका मतलब है वो ढोंगी नहीं है। वो ढोंगी है, समझे पाटिल, वो ढोंगी ही है। ढोंगी होता तो उसे भूख लगती, प्यास लगती, कहीं भिक्षा लेने जाता। रात में किसी के घर में आश्रय मांगता। वो मांगने वालों में से नहीं है, वो अवश्य कोई अवतार है। कोई अवतार नहीं है वो, उसके दिमाग में कोई बहुत बड़ी साजिश है, षड्यंत्र है हम सब गांव वालों को लूटने का, समझे। अरे आंखें बंद करके वो हम सबको बेवकूफ बना रहा है। नींद नहीं आ रही है ना? नहीं। कैसे आएगी, कितना कहा, खाना खा ले, भूखे पेट नींद नहीं आएगी। लेकिन तुम तो, मेरा ध्यान उस योगी पर लगा है, वो बेचारा वहां भूखा है, उसे खाना किसने दिया होगा। मैं खाना बनाती हूँ और उसे देखकर आती हूँ। देख, योगी लोग इतनी रात गए भोजन नहीं करते। ठीक है, तुम्हारा मन करता है तो सुबह खाना लेकर चली जाना। मैं
मैं योगी को खाना देकर आती हूँ। ठीक है। खाना दो, प्यास लगी है, कोई तो खाना दो, खाना दो। अरे जाना जा, अरे जा, 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 जा। भूख लगी है, खाना दो, खाना दो बाबा। भाई फिर मैंने उसे कह डाला। भूख ए दुरत दुरत पास, चल जा जा, चल जा। भूख लगी है बाबा, जाता है कि नहीं। ए माधव, केशव, भार्गव, जल्दी आओ, देखो अरे कोड़ी हमारे गांव में घुसा है, भगाओ इसको वरना ये हम सबको कोड़ी बना देगा। भगाओ भगाओ जल्दी। भागो यहाँ से, पढ़ाई खुद, खबरदार जो भागो जी को सताया। बचाओ माई, ये बच्चे मुझे पत्थर मार रहे हैं। कहाँ जा रहे थे? भूख लगी है, खाना मांग रहा था, खाना नहीं मिला, पत्थर मिले। तुमने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये लो। लेकिन माई, तुम तो ये खाना किसी और के लिए ले जा रही हो। कोई बात नहीं, मैं फिर से जाकर खाना बना लूंगी। लो। अरे देवा, पता नहीं कब से भूखे हो। लो खाना खा लो। आंखें खोलो योगी। जब ध्यान पूरा हो जाए खा लेना। बाईजा भाई, उस योगी ने खाना खाया क्या? मैं तो खाना छोड़ आई थी, खा लिया होगा। नहीं खाया, हमने देखा है, खाना उनके सामने पड़ा है और गाय, बकरी, कुत्ते खाना खा रहे हैं। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं, वो तो अपने ध्यान में मग्न हैं। नहीं खाया। आज मैं खाना छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ, आज मैं खाना खिला कर ही जाऊंगी। हमारी शिरडी की धरती बहुत हरी भरी है। यहाँ आया हुआ कोई खाली पेट सोए या खाली पेट जाए तो अच्छा नहीं। और तू तो जैसे मेरा कोई अपना है, अपने बेटे का मोह हो गया है तेरे साथ। यूं समझ ले तेरी माँ अपने हाथों से खाना बनाकर लाई है। नहीं,
नहीं खाएगा, जिद करेगा। ठीक है, तेरी जिद है तो मेरी भी जिद है। जब तक तू खाना नहीं खाएगा तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे खाना क्या, पानी तक नहीं पीऊंगी। बस बस बस, मेरे लिए और मत बनाना, मेरे लिए इतना काफी है। ये क्या, तुम खाना नहीं खाओगी? बोला ना, जब तक वो योगी खाना नहीं खाएगा मैं न कुछ खाऊंगी न पीऊंगी। भाई को बाईजा भाई, योगीराज हम पर दया करो, अपनी आंखें खोलो, तपस्या से जागो। मेरी पत्नी ने कसम खाई है वो तब तक नहीं खाएगी जब तक आप खाना नहीं खाओगे। योगीराज हम आपके लिए भोजन लाए, कृपा करके भोजन कर लो। योगीराज मेरी विनती सुनिए, योगीराज योगीराज मेरी विनती सुनिए, अपनी आंखें खोलिए, नहीं तो मैं यही सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। योगीराज
उठो माँ, मुझे खाना नहीं खिलाओगी? मुझे भूख लगी है माँ। मुझे खाना खिलाओ माँ। क्यों वैद्य जी, आप तो कह रहे थे कि बाईजा बाई अब कभी नहीं उठेगी। राम राम राम, चलो मूर्खो। नहीं खाए, क्यों भूखे रहे इतने दिन? मैंने खाना खाया माँ। कब खाया? वो तूने उस कोड़ी भागोजी को जो खाना दिया था ना, वो तूने मेरे लिए ही तो बनाया था, सो मैंने खा लिया। झूठ बोलते हो तुम। मैंने तो सुना है तुम्हारा खाना गाय, कुत्ते और पक्षी खा जाते थे। तो उनकी भी तो माँ है, तो उन्होंने खाया तो मैंने खा लिया। मैं भी तो तेरा बेटा हूं। लेकिन माँ, तूने खाना क्यों नहीं खाया? चलो मैं अपने हाथों से खिला देता हूं। खाओ माँ, तुम्हारा बेटा तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला रहा है। लक्ष्मी की माँ, इसे कैसे पता कि भाईजा ने खाना इसके लिए बनाया था और उस कोड़ी भागोजी को दे दिया? नाटक नाटक नाटक, राम राम राम, बहुत बड़ा भांड है वो छोकरा। अरे अभी दिन ही कितने हुए हैं उसे यहाँ आके, और रिश्ते बनाने शुरू कर दिए। आज उसने बाईजा बाई को माँ कहा है, कल किसी को बाप बना देगा। बेबी आप बतना, वापी को बाप बनाने वाला है। पहुँच के रख दूंगा। चलो बेटा। भाईजा भाई, भाईजा भाई, अरे ये अचानक क्या हो गया सरपंच जी? उस्मान भाई, हमारे गांव में ये कैसा प्रलय आ गया है? खुदा खैर करे सरपंच जी, आसार तो कयामत जैसे लगते हैं।
उस्मान भाई, इनको ठीक तरह संभालना। भाईसा लगता है सरवन हमसे नाराज हो गए। राम राम राम, रास्ता चलते किसी को भी भगवान मानोगे तो भगवान का नर्थ होगा ही। ओ बैठे, ये भयानक तूफान उस योगी का चमत्कार तो नहीं है? योगी? अरे चुप कर मूर्ख, ये चमत्कार नहीं प्रकोप है, प्रकोप। योगी वहाँ देखता होगा, योगी को हमें बचाना है, उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ जाना चाहिए। अरे पैसा, सारा गांव तहस नहस हो गया है। मैं योगी को बचाऊंगी, मैं अपने बेटे को बचाऊंगी। मैंने कहा ना कहीं नहीं जाओ। अरे रुको तो सही पैसा, कोई रोको उसको। अरे मूर्ख है। हाँ हाँ चलो 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 चलो। नदी में बाढ़ आ गई, पानी नहीं रुका तो पूरा गांव बह जाएगा। प्रभु इस गांव को बचाओ, इस गांव को बचाओ प्रभु। योगी, योगी, रुको बाजा। कहाँ तुम? योगी, योगी, बाजा। योगी, रुको। आप लोग एक दूसरे की शक्ल क्या देख रहे हैं? जाइए बचाइए उसे, कोई मदद कीजिए उसकी। योगी राज वो कोड़ी है। बचाओ, मुझे बचाओ। कोड़ी है तो क्या हुआ, है तो एक इंसान ही ना। योगी, अरे भाईसा देख, उस नदी के किनारे लोगों की भीड़ जमा है। चल भाईसा चल वहाँ, वो नदी के किनारे देख, लोगों की भीड़ जमा है। योगी, चल भाईसा बचाओ। योगी, योगी, योगी। बाजा बहन, कोई तो पानी में कूद के उसे बचाओ। बचाओ, मैं नहीं, मुझे क्षमा करो। बचाओ, मुझे बचाओ। वीरू, डूबने दे उसे, डूबने दे। अच्छा है, बहकर वो दूर निकल जाएगा तो इसी बहाने गांव की सारी गंदगी साफ हो जाएगी। अच्छी इंसानियत दिखा रहे हैं आप लोग, यही सबक सिखाए आपने, यही संस्कार मिले हैं आप लोगों को। एक इंसान डूब रहा है और आप लोग। योगी, बचाओ। योगी, योगी, बचाओ। अरे आप लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो? वो अकेला है, नदी में कूद पड़ा है, उसे बचाओ, उसकी मदद करो, उसकी मदद करो। योगी, 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 अरे सत्यनाश हो तेरा, कल मुहाँ क्या देख रहे हो? वो बहुत डूब रहा है। आप लोगों को चिंता नहीं है उसकी, आप लोगों का कोई नहीं लगता, वो मेरा है, वो मेरा बेटा है, मैं बचाऊंगी इसको। भाईसा, मैं बचाऊंगी। नहीं, मत करो उसकी मदद। नहीं, कोई मत करो। नहीं, मैं आ रही हूँ।
नहीं भाईसा, रुको, मत जा, मत जा भाईसा। अरे राम राम राम, अरे देखो देखो, अरे अरे इस ढोंगी को भी कोड़ हो जाएगा। राम राम राम, इस गांव में एक कोड़ी था, अब दो दो कोड़ी हो जाएंगे। राम राम, अरे चलो चलो चलो, पीछे पीछे चलो। आप लोग इसके कोड़ से डरते थे ना, इसकी बीमारी आपको ना लग जाए, इसीलिए किसी ने इसे नहीं बचाया। इस गरीब की घृणा का कारण ये कोड़ ही है ना, ये देखो। कमाल हो गया, रोगी का कोड़ पूरा ठीक हो गया। ये तो करिश्मा है। इसका पूरा बदन साफ हो गया, इसके गर्दन का भी जख्म चला गया, देखो। हाँ, जैसे पहले इसे कोड़ था ही नहीं। बाबा मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, अब मुझे कोड़ नहीं है, अब मैं कोड़ी नहीं हूँ। यह योगी का प्रताप है सचमुच, यह तो चमत्कार है। ये तो योगी के भगवान होने का प्रमाण है। या अल्लाह, नहीं, ना मैं देवता हूँ ना भगवान, आप ही की तरह इंसान हूँ मैं। हम सब में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हम सब बराबर हैं। हम सब का मालिक वो है। ये ए, चल चल चल, यहाँ क्या कर रहा, चल। खंडो बराया, खंडो बराया, जय खंडो बराया, तेरे गुण गा रहे भक्त जन मना रहे, तेरे गुण गा रहे भक्त जन मना रहे, मंगल महो तब मन भाया, खंडो बराया, जय खंडो बराया, खंडो बराया, जय खंडो बराया, खंडो बराया की जय। खंडोबा तू भक्त जनों को प्यारा है, खंडोबा तू पर विश्वास हमारा है, तेरे होते नहीं किसी का भय हमको, देवा तू सबके हित का रखवारा है। ना चोरे ना चोरे ना चोरे ना चोरे, गाओ रे गाओ रे गाओ रे गाओ, बोलो रे
सरस्वती जी, हमारा अहो भाग्य है जो खंडोबा स्वयं आए हैं इनमें। हाँ बायसा भाई। मालसापति जी, हम जो पूछेंगे उसका जवाब हमें मिलेगा ना? हाँ। मालसापति जी, आप ही पूछिए ना, वो नीम के पेड़ के नीचे आए हुए योगी कौन है? प्रणाम देवा। कुछ प्रश्न है मन में देवा? उत्तर दो महाराजा। उत्तर दो महाराजा। उत्तर दो महाराजा। वो जो नीम के पेड़ के नीचे बैठता है, पेड़ के नीचे कुल्हाड़ी मारो, सब जान जाओगे, सब जान जाओगे, सब जान जाओगे। मालसापति जी, यहां ईंटें मिली हैं। हटाओ इन्हें। मालसापति जी, आगे सुरंग है। सुरंग? ठहरो, मैं आता हूं। चमत्कार, ये तो किसी तपस्वी का स्थान लगता है। हाँ, ये योगी तपस्वी ही तो है। तो क्या योगी यहां तप करते थे? तब 12 वर्ष का होता है। 12 वर्ष? अगो भाई, तो क्या यूं ही 12 वर्ष तक जमीन के नीचे रहे? उनका इस स्थान के ऊपर ही प्रकट होने का मतलब है वो तब पूरा होने के बाद ही जमीन में से ऊपर आए हैं। नहीं मालसापति, ये मेरे गुरुदेव की समाधि का स्थान है। Thank you.
इस स्थान को पहले की तरह बंद कर दो और आज के बाद इस पवित्र स्थान को जैसा है वैसा ही रहने दें। जैसी आपकी आज्ञा है योगीराज। योगीराज, आज खंडोबा का उत्सव है। उत्सव में आप भी आएंगे तो खंडोबा बहुत प्रसन्न होंगे। शिरडी पे कृपा कीजिए योगीराज, आप आइए। जैसी खंडोबा की इच्छा खंडोबा ने याद किया है तो चलना तो पड़ेगा ही ना। चलिए। प्रभु वाह, इतनी जल्दी सारे रहस्य खोल दिया आपने। जैसी आपकी इच्छा। जाकर गांव वालों को बताओ कि उसने कितनी चालाकी की है उनके साथ। पहले तो वहां खुदाई करके अपने गुरु की समाधि बनाई और फिर संचार वालों को पैसे देकर लोगों को कह दिया कि वहां की जमीन खोदो। वो लोगों को बेवकूफ बना सकता है, द्वारिकानाथ को नहीं। खंडोबा राया, ये क्या हो रहा है? मैं तेरा ध्यान कर रहा हूं और मेरे ध्यान में वो योगी आ रहे हैं। मेरा मन शंका से भर गया है। मेरी शंका दूर करो खंडोबा राया, मेरी शंका दूर करो खंडोबा राया। तो क्या तुम ही वो योगी हो? तुम ही खंडोबा हो? क्या योगी ही खंडोबा है? तुम ही राम हो? तुम ही कृष्ण हो? जय खंडोबा, जय बाबा, जय खंडोबा,
ऐसा लगता है जैसे तू मेरी यशोदा मैया है। मुझे तो ऐसा लगता है तू तो मेरा छोटा सा कन्हैया है। मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? मां, मैं जा रहा हूं। मुझे जाना है मां। जाना है कहां? ये तो मैं भी नहीं जानता, परंतु जा रहा हूं। मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊं मां। नहीं नहीं, अरे देवा, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हें यही रहना होगा हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा कुछ नहीं रहता माँ, इस संसार में कुछ भी स्थाई नहीं है, ना ये जन्म स्थाई है ना ये मृत्यु। ये आना जाना ही तो संसार की रीत है। नहीं, मैं रीत नहीं जानती, तुम मुझे कहीं छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम नहीं जानते मेरे मन में तुम्हारे लिए कितनी ममता है। मेरा दिल चाहता है तुम हमेशा मेरे नजरों के सामने रहो, शायद इसलिए कि मेरा कोई बच्चा नहीं है ना, मेरा अपना कोई बच्चा नहीं है ना। माँ, मैं हूँ आपका बेटा, मैं आपका बेटा हूँ माँ। आपको बेटा मानता है तो माँ को छोड़कर क्यों जा रहा है? मेरा जाना बहुत जरूरी है माँ, मैं वचन देता हूँ, मैं अवश्य वापस आऊंगा, अवश्य आऊंगा। अरे ये तो सचमुच आ रहा है, योगी योगी रुको से, वो जा रहा है। कौन? रुको से। कौन जा रहा है? योगी, 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 रुको।
रोको उसे, रोको उसे, योगी, 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 रोको उसे, रोको। अरे ये बाजा, योगी, योगी, ये बाजा, योगी। अरे कहाँ जा रही है बाजा? अरे रोको कोई उसे, बाजा रुक, बाजा। माँ मैं गया नहीं हूं माँ, मैं अवश्य वापस आऊंगा। ठीक से खाती नहीं, इसीलिए पेट में पित्त हो गई होगी। मैं कुलकर्णी वैद्य को बुलाकर लाता हूं। भगवान सब ठीक करेंगे बाईजा। अचानक उल्टी इतनी होने लगी कि मैं तो घबरा। अरे वहां क्यों खड़े हैं भाईजान? जाइए जाइए, इन्हीं पैरों से वापस जाइए और मिठाई वाले से मिठाई लेकर आइए। अरे सरपंच जी, खुद भी मुंह मीठा कीजिए और हमारा भी मुंह मीठा करवाइए, आप बाप बनने वाले हैं। हाँ महात्मन, हम सब आपका परिचय जानने को उत्सुक हैं। मैं महर्षि आदित्यनाथ और माता वैश्वी का पुत्र हूँ अवलश। महर्षि अवलश, हम आपकी क्या सेवा करें? सेवा तो मैं उस करुणा अवतार की करने आया था। महर्षि जी, आपने कैसे जाना कि शिरडी में भगवान के अवतार ही आए हैं? तप करते समय मुझे संकेत मिलने लगे। तभी मैंने देखा कोई महान विभूति धरती पर उतर आई थी। जो तेज मुझे दिखाई दे रहा था, यहां शिरडी आने के बाद कहीं दिखाई नहीं दिया। करुणा अवतार यहां से जा चुके थे। सबके भले के लिए गया है वो, वापस आने वाला नहीं। वो वापस आएगा मां, आपका बेटा वापस आएगा। Thank you.
लक्ष्मी की माँ। अब सहा नहीं जा रहा है नूर। हौसला रुको बाईजा, बर्दाश्त करो। ने मुझे पुकारा माँ? तुम हो कहाँ? मैं यहाँ हूँ माँ। साईबा। लेकिन तात्या कहाँ है? तात्या? कौन तात्या? मेरा छोटा भाई माँ। अरे लेकिन वो है कहाँ? वो छिप गया है, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। मुबारक हो भाईजान, बेटा हुआ है बेटा। लेकिन नूर भाभी, भाईजान तो ठीक है ना? हाँ। बहुत समय लग गया। हम तो डर गए थे भाईजान, भाईजा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी, बहुत तकलीफ थी, लेकिन बच्चा हो ही नहीं रहा था। अचानक आसपास से किसी ने पुकारा तात्या, और तुरंत बच्चा पैदा हो गया। किसने पुकारा? मैं तो अकेला यहाँ इतनी देर से खड़ा हूँ, किसी ने नहीं पुकारा। वो तो अल्लाह जाने, लेकिन जैसे ही कमरे में तात्या की आवाज गूंजी, बच्चा हो गया। इत्मीनान से सो रहा है, कितना खूबसूरत है। कितना खूबसूरत है ये भाईजा। हमारे बेटे का नाम राम कैसा रहेगा? मेरा तो ये तात्या है। तात्या? बाईजा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी, बहुत तकलीफ थी, लेकिन बच्चा हो ही नहीं रहा था। अचानक आसपास से किसी ने पुकारा तात्या, और तुरंत बच्चा पैदा हो गया। ठीक है, जो तुम चाहो, लेकिन हमारा तात्या है भाग्यशाली, है ना? बात है? अरे देखो तो, देखा, अब मैं 17 साल की हो गई हूँ, तो तात्या 11 का ही होगा ना? 6 साल बड़ी हूँ इससे। हाँ हाँ, तू अब बहुत बड़ी हो गई है। जा, चूल्हे पर दाल रखकर आई हूँ, देख कहीं लग ही न जाए। हाँ हाँ अम्मी, जाती हूँ। चल तात्या। हाँ।
तो किसी ने आवाज करने की या होशियारी करने की कोशिश की तो यही तलवार से गला काट दूंगा। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। रुको, रुको, नहीं नहीं, रुको, मेरे शौहर को मत मारो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो चुपचाप निकाल कर हमें दे दो। तुम लोगों को जो चाहिए हम दे देंगे। शिवा, इधर आओ आओ। कुछ परेशान लग रहे हो, अपनी घोड़ी ढूंढ रहे हो। बहुत दिन हो गए तुम्हारी घोड़ी को गुम हुए। क्यों? दिल से ढूंढो पाटिल, दिल से ढूंढोगे तो ऊपर वाला भी मिलेगा। मैं दिल से ढूंढ रहा हूं बाबा। तब तो तुम्हें तुम्हारी शब्बो मिलनी ही चाहिए। वो देखो, तुम्हारी घोड़ी तालाब के पास खड़ी होकर पानी पी रही है। से नहीं तो फिर से भाग जाएगी। जाओ। शब्बू आओ। आओ 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 शब्बू। जंगल के उस हिस्से में थे। हाँ, मैं वहां भी था, मैं यहां भी हूं, मैं हर जगह हूं, हर प्राणी में हूं, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब में मैं ही हूं।
जानते हो पाटिल, तुम घोड़ी को क्यों नहीं पकड़ सके? क्योंकि तुम्हारे मन पर तुम्हारी पकड़ नहीं है। मन को लगाम दोगे तभी तो घोड़ी को लगाम दे सकोगे। मन और घोड़ी में कोई अंतर नहीं है। दोनों को इधर उधर भागना अच्छा लगता है। आप कौन हैं? जो भी हैं, आज से मैं आपका शागिर्द, आप मेरे उस्ताद, मेरे गुरु हैं। उठो, अपनी शब्बों को पुकारो, वो आएगी। शब्बो, 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 साईं बाबा, साईं बाबा, साईं तो आखिर श्रद्धा और सबरी की ही है ना? क्यों पाटिल, बीज बोते हैं तो फसल के उगने तक सबर करना पड़ता है ना? और बीज के फसल बनने तक परिश्रम करना पड़ता है, करना पड़ता है ना पाटिल? उस परिश्रम को तप कहते हैं, तपस्या। तपस्या में शरीर नाम मात्र के लिए होता है, आत्मा होती है, और जब आत्मा पुकारती है तो उस पुकार को परमात्मा भी सुनता है, और जब तुम्हारी आत्मा ने शब्दों को पुकारा तो वो भी भागी चली आई। आओ बैठो। लगता है तुम्हारी घोड़ी ने तुम्हें धूप में खूब दौड़ाया, तुम्हें परेशान किया, इसकी वजह से तुम्हें प्यास लग रही है। हाँ बाबा, बहुत प्यास की शिद्दत महसूस कर रहा हूं। शब्बू, तुम इतनी नाफरमान कैसे हो? पहले तो तुमने अपने मालिक को धूप में खूब दौड़ाया, उसे परेशान किया, और अब खड़ी खड़ी तमाशा देख रही हो, पानी का इंतजाम नहीं कर सकती? ये बुरी बात है। चलो पानी का इंतजाम करो। तुम जहां खड़ी हो उसके नीचे पानी बह रहा है,
चलो पानी निकालो। मुझे क्या देख रहे हो? जाओ जाकर अपनी प्यास बुझाओ, जाओ अपनी प्यास बुझाओ, जाओ। जी बाबा, तुम्हारी घोड़ी भी मिल गई और प्यास भी बुझ गई, अब जाओ। जाऊं आपको छोड़कर? अरे ये मायावी दुनिया है, इसे छोड़ना ही अच्छा है। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। पाटिल, मैं सबके साथ हूं, जो मेरा साथ छोड़ देता है उसके भी साथ हूं मैं। बाबा, मैं भी आपको अपने साथ ही ले जाना चाहता हूं। मुझे पता चल गया है कि आप अल्लाह के खास बंदे हैं, कोई पीर हैं। बाबा, मेरे भांजे की शादी है, जब कहीं उसकी शादी की बात चलती है तो कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि शादी नहीं हो पाती। आप साथ होंगे तो शादी जरूर हो जाएगी, बिना किसी रुकावट के। शादी के लिए कहां जा रहे हो? बाबा, बारात शिरडी जाएगी। शिरडी? उस्मान भाई के घर? हाँ, मैंने भी देखा है, बुरा कुछ भी नहीं दुल्हा में। चलिए चांद भाई, आइए अब्बू, काजी जी ने सलीम को निकाह के लिए बुलाया है। चलो सलीम मियां। बाबा आप भी चलिए, आइए। तुम जाओ चांद पाटिल, मैं यहां आनंद में हूं। जाओ निकाह की रसम पूरी करो। बाबा आप भी चलिए ना। जाओ चांद पाटिल। गवाहों की शहादत से
चांद पाटिल के बेटे सलीम के साथ 127 रुपए मेहर के एवज में आपको निकाह में दिया जाता है, आपको कबूल है? जी मुझे कबूल है। मुबारक हो बेटा, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कोते पाटिल जी, ऐसी शादी हुई है कि सारा जहां याद रखेगा। जी जी जी, आप सही कह रहे हैं मालसापति जी। मालसापति जी, वो देखिए, अपने गांव का तो नहीं है, बारात के साथ आया है। अच्छा हुआ किसी की नजर नहीं पड़ी, कहीं मंदिर के अंदर न चला जाए। चलकर देखते हैं। इन गवाहों की शहादत से शिरडी के उस्मान भाई की बेटी नबीला को 127 रुपए मेहर के एवज में आपको निकाह में दिया जाता है, आपको कबूल है? हाँ कबूल है। मुबारक 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 हो बेटा, मुबारक हो, मुबारक हो। आप बारात के साथ आए हैं बाबा? आप उस्मान भाई के ही नहीं, हमारे पूरे गांव के मेहमान हैं। देखिए, बुरा मत मानिएगा, हमारे दिलों में आपके लिए बहुत इज्जत है, लेकिन आप कुछ चाहिए मुझसे? नहीं, बस इस मंदिर से हट जाए तो। यहां से चला जाऊं? नहीं नहीं, ये गांव आप ही का है, लेकिन ये मंदिर है, हमारे भगवान का घर है। भगवान का घर है तो भगवान सबका है, नहीं? आपका है तो क्या मेरा नहीं? बाबा आप समझ नहीं रहे हैं, लोग धर्म के बड़े कट्टर होते हैं। कट्टर नहीं, तंग दिल कहो। भगवान ने तो हर किसी को कोई धर्म देकर नहीं भेजा, सबको एक समान एक इंसान बनाकर धरती पर भेजा है, लेकिन हमने अपने आप को अलग अलग गुटों में बांट लिया, अलग अलग धर्म बना लिया। भगवान ने कुछ नहीं किया, हम इंसानों ने दिए हैं नाम, जाति, धर्म। हमने तो भगवान के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए, किसी को गिरजाघर में बिठा दिया, किसी को मस्जिद में बिठा दिया और किसी को मंदिर में। है एक ही, सब जगह वो ही मालिक है। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन मैं समझ रहा हूं, तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे भगवान के मंदिर की सीढ़ियों को अपवित्र नहीं करूं। इंसान कैसे बदल जाता है, एक दिन यही मंदिर था, यही तुम थे मालसापति। जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर यहां लाए थे ना, याद करो 10 साल पहले का त्योहार।
गुरुदेव 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 मुझे क्षमा कर दे गुरुदेव, मुझसे भूल हो गई। गुरुदेव मेरे साईं नाथ, मेरे साईं नाथ। साईं, तो क्या ये तात्या का बड़ा भाई है? मुझे क्षमा कर दीजिए। भाईजा तुम्हारा बेटा आया है। क्या कह रहे हो? हाँ सच कह रहा हूँ। कहाँ है? बालसापति के साथ है, बड़ा हो गया है, दाढ़ी पूंछ भी आ गई है। पहले तो बालसापति ने उसे पहचाना ही नहीं, फिर उसने खंडोवा मंदिर के त्योहार की याद दिलाई तो साईं कह के चरणों में गिर गया। साईं, साईं मालसापति ने क्यों कहा? क्यों भूल गई? अवलस्त ऋषि ने तो कहा था उसका नाम साईं होगा। मैं जी, देखा भाईजा भाई का पागलपन किस हद तक बढ़ गया है। उसे हर जगह अपना बेटा दिखाई देने लगा है, लेकिन ये साईं साईं क्यों पुकार रही है? अरे साईं का मतलब मालिक, मालिक का मतलब भगवान। भाई देख कौन आया है, तुम्हारा बेटा, मेरा गुरु साईनाथ बनकर आया है। अरे ये क्या कर रहे हो?
अपनी मां के पांव छू रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं आपको। नहीं, भगवान भक्तों को प्रणाम नहीं करते, भक्त भगवान को प्रणाम करते हैं। बच्चों के लिए माँ ही भगवान होती है। माँ बेटा, माँ कायरे इतने साल कहाँ था? माँ तुम्हें रोज याद करती थी। तपस्या करने गया था माँ। तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी आपके साथ चलता। चल घर चल, तुझे मेरे हाथ का खाना पसंद है ना? चल मैं अभी जाके खाना बनाती हूँ। नहीं माँ, इस वक्त नहीं। क्यों? भूख ही नहीं है। शायद आपको देखते ही पेट भर गया मेरा। बातें बहुत बनाने लगा है रे तू। अच्छा ये बता, तू बारातियों के साथ कैसे आया? चांद भाई ले आए माँ और मैं आ गया। तो इसका मतलब तुम माँ से मिलने नहीं आए? माँ तो हर वक्त मेरे दिल में रहती है, जब चाहे देख लेता हूँ। लेकिन जब चांद भाई ने कहा कि बारात शिरडी जा रही है, तो तुझसे किया वादा मुझे याद आ गया और मैं बारात में ही शामिल हो गया। एक बार खो चुकी हूँ तुम्हें, अब नहीं, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बांध के रखूंगी। माँ नहीं बचा भाई, इतने स्वार्थी ना बनो। याद करो महर्षि अवलश ने क्या कहा था। आप सभी पुण्य आत्माएं हैं, विश्व के परम भाग्यशाली लोग हैं आप, जिन्हें ईश्वरी करुणा अवतार का सहवास मिला। इस स्थान को करुणा अवतार ने अपनी कर्म भूमि माना है। साई नाथ अवतारी सत्पुरुष हैं। क्या तुम सिर्फ अपना कल्याण चाहती हो? गांव का, समाज का, दुनिया का कल्याण नहीं चाहती? इन्हें ममता के बंधन में बांध कर रखोगी तो विश्व का कल्याण कौन करेगा? साई चलिए, धूप गांव लौटते हैं, रुखसत का वक्त हो रहा है। जान पाटिल, अब मेरा तुम्हारे साथ आना बहुत मुश्किल है। क्यों साई? ये मेरी मां है ना, जो मेरे सामने बैठी है, तो इससे पूछ ले। ये मुझे जाने देती है तो फिर मैं तेरे साथ चला आऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, यही रहेगा शिरडी में मेरे पास। कल के लड़के को भालसा पति ने साई बना दिया, साई नाथ। ये योगी भिक्षा मांगता तो अपने लिए है, लेकिन खुद नहीं खाता, तो दूसरों को बांट देता है। भिक्षाम देहि मां, भिक्षाम देहि मां। भैया, तात्या,
कैसा है तू? ठीक हूँ भैया। ये क्या है भैया? भिक्षाम देही। अरे झोली क्यों फैला रहे हो? माँ है ना, माँ को बोलो माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। मैं भी माँ से ऐसे ही खाना मांगता हूँ। भैया चलो अंदर, हम दोनों भाई साथ बैठकर खाना खाएंगे। तात्या, तुम जो समझते हो वैसा नहीं है। भिक्षा मांग कर खाना एक फकीर के लिए बुरी बात नहीं है, ये तो मेरा व्रत है। तेरे सारे व्रत इस माँ के लिए ही है। चल अंदर चल खाना खा। तू तो जानती है माँ मुझे भिक्षा लेनी है। मेरा कहना नहीं मानोगे? आप ही का कहना मानकर वापस शिरडी आया हूँ, और आप ही की आज्ञा अनुसार मैंने शिरडी निवास करना स्वीकार किया है माँ। बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। थांबा दे रही हूँ माँ। मुझे तेल भी चाहिए। हाँ हाँ तुझे तेल की बरनी ही लाकर देती हूँ। तात्या इधर आ। माँ आया। भैया पिताजी के पाँव में दर्द है, वो चल नहीं सकते, इसलिए तुमसे मिलने के लिए बाहर नहीं आए। तात्या आया। माँ मैंने कहा था ना, इस योगी की नजर शिरडी के हर घर पर है। देख लो भिक्षा मांगने के बहाने हर घर का दरवाजा खटखटाने लगा है, और इस तरह घर के अंदर जाएगा। और भगवान फिर इसे लोगों के दिलों तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। तो तू क्यों देर लगा रहा है, जल्दी कर।